हाय लियो एंड वेलकम टू योर मंथली प्रेडिक्शंस। आपके अप्रैल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना लियो यानी सिंह राशि की राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आप इस वीडियो को अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप लियो से या सिंह राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मंथ ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी फॉर लियोज। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग और एनी हाउ यू कनेक्ट विद द लियो एनर्जी ऑफ द लियो। सो लेट्स सी लियो मंथ ऑफ अप्रैल 2022। Leo month of April 22, what is going to happen for them? Leo month of April 2022, let's see, just Leo month of April 2022. So I think two cards is what we need to start from. Ek card aur ek ke upar dusra card jo hai wo ulta aaya hai and I think this is a blockage for something. So pehla card jo hai wo bolta hai page of Gabriel, energetic, brave, optimistic, playful, follow your passion, you are ready for any challenge, opportunities for excitement and adventure. So definitely new opportunities are coming your way, nayi cheeze, nayi opportunity, naya passion, nayi energy, naya magic wo aapki life mein aa raha hai. Page of Gabriel matlab page of wands ka card hai. Page of wands ka मतलब होता है दैट आपने इवैल्यूएट किया है, आप देख रहे हो आपको किस तरफ जाना है। यहाँ पे पूरा डिजर्ट है लेकिन ही स्टिल हैप्पी क्योंकि उसको उसके पास उसका मैजिक वॉन्ड है और मैजिक वॉन्ड से दिस पर्सन कैन क्रिएट मैजिक और एक तरह से ही हैज एवरीथिंग दैट ही नीड्स और कंप्लीट पैशन की एनर्जी है। नाउ व्हाट इज द ब्लॉकेज फॉर दिस पैशन एनर्जी? इट फील्स लाइक यू नीड टू चेंज समथिंग अबाउट योर लाइफ। ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज जो है आपके पैशन एनर्जी की वो ये है कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बदलना है। ये कार्ड जो है बोलता है सडन रिवेलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रेसिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स। सो इट लुक्स लाइक देर इज अ बिग चेंज दैट इज कमिंग योर वे। आपकी तरफ कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो अप्रोच कर रहा है और अगर आप देखें तो ये पर्सन यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बैठ के वो सारी इन बिल्डिंग्स को जो है देख रहा है और यहाँ पे एक जहाँ पे गोल गुंबद आपको दिख रहा है वहां से रोशनी जो है वो आसमान की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो बिल्डिंग्स हैं जो रोशनी में आपको दिखाई दे रही हैं ये सब पर्पल है। दिस कैन बी दैट दे आर ईदर इमेजिनेशन लाइक कमिंग फ्रॉम हिज इमेजिनेशन और something is about to happen with them क्योंकि 16th जो कार्ड होता है वो आइडली टावर की एनर्जी होती है और टावर मतलब डिस्ट्रक्शन दैट ब्रिंग्स इन न्यू रिवेलेशन एंड न्यू बिगिनिंग्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो होने वाला है और टावर की एनर्जी कई बार ऐसी एनर्जी होती है जो वो चेंज जो है वो अचानक होता है, सडन होता है। इट इज लाइक सरप्राइज, राइट? सरप्राइज, सरप्राइज फ्रॉम द यूनिवर्स, सरप्राइज नॉट फ्रॉम समबडी बट फ्रॉम द यूनिवर्स और वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट इज लाइक इफ यू फॉलो योर पैशन और उस रिवेलेशन को, उस चेंज को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आने देते हो तो डेफिनेटली एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिवली चेंज होंगी। आई एम गोइंग टू टेक आउट वन मोर अप्रैल लियो मैसेज फॉर लियो फॉर अप्रैल। ओके, सो आई गॉट इट फॉर beautiful. So we started with wands, we are ending on wands. Eight of Gabriel jo hota hai wo actually eight of wands ka card hota hai. A great deal of activity, sudden and immediate results, important communication. So definitely aapki life mein sudden changes 100% hai, matlab 100% aapki life mein kuch sudden changes, kuch strong changes jo hai hone wale hain. Wo changes aise honge jo achanak se honge aur wo changes aise honge jo aapki life ke bare mein lagbhag sab kuch jo hai wo badal denge. दे आर पॉजिटिव, डरने की कोई बात नहीं है। देर इज नो रीजन कि आपको डरना चाहिए क्योंकि ओवरऑल कार्ड जो है वो बोल रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक्साइटमेंट और एडवेंचर लेके आएंगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएंगी और इमीडिएट रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है दैट देर आर गोइंग टू बी सम सडन क्विक चेंजेस और आपको उन चेंजेस के साथ फ्लो करना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप में भी कोई सडन चेंज आ सकता है, रिलेशनशिप में भी कोई सडन ब्लॉकेज क्लियर हो सकती है या कोई सडन फॉल आउट हो सकता है, बट वट एवर इट इज गोइंग टू लीड टू समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव। नाउ अगेन आई डिड से लास्ट कार्ड बट आई एम गाइडेड टू टेक आउट वन मोर, सो आई विल लियो फॉर अप्रैल Leo for April 2022, guides, angels, if we can just get one clarifier, please. Leo's April, Leo energy for April 2022. Okay, we got a clarifier and let's see what the card is. Eight of Michael, another eight card. And agar aap dekhe to ye nine tha aur ye eight tha, so
टोटल जो है 8 बनता है और फिर से 8 आ गया है. आपका नंबर ऑफ द मंथ डेफिनेटली 8 है. एंड दिस सेज यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजस चॉइस एंड चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग बियॉन्ड थिंग्स क्लियरली. सो अगर आप देखो तो ये रस्सी है और ये रस्सी इसको सांप लग सकती है और इसलिए ये डर रही है. यहाँ पे पीछे देखोगे तो यहाँ पे चेन्स हैं, जिन चेन्स में यहाँ पे पीछे एग्जैक्टली हियर यहाँ पे कफ हैंड कफ्स हैं या चेन्स हैं जिनसे वो फ्री हो गई है. एक रस्सी है उसके अंदर उसने अपना पैर डाला है एंड शी इज स्टिल फीलिंग दैट वो ब्लॉक्ड है जबकि पीछे गेट जो है खुला है एंड द इंजर इज राइट अबव हर हेड. एट ऑफ माइकल, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी होती है. जब आप एक्चुअली अपने आप में स्टक फील करते हो, आपको लगता है कि कुछ नहीं है, या मैं स्टक हूं, या मैं आगे नहीं जा पा रही हूं, या आप रस्सी को सांप समझ लेते हो. और ये कार्ड बोलता है कि आपको करेज रखना पड़ेगा, चीजों को क्लैरिटी से देखना पड़ेगा और जैसे ही आप चीजों को क्लैरिटी से देखोगे यू आर गोइंग टू सी बिग चेंजेस. सो डेफिनेटली देर आर बिग चेंजेस, डेफिनेटली देर इज क्लैरिटी डेफिनेटली रिक्वायर्ड एंड बहुत फास्ट और स्ट्रांग कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आने वाली है. सो बी रेडी फॉर इट. और अगेन अगर आपको कोई ब्लॉकेज लगे अपने रिलेशनशिप में, अगर आपको कुछ लगे कि ये अंत हो रहा है, तो वो अंत नहीं होगा, अंत ही आरंभ है. अगर मैं बोलूं तो वो गलत नहीं होगा. द एंडिंग्स विल ब्रिंग न्यू बिगिनिंग. सो जस्ट इंश्योर दैट यू आर रेडी टू टेक अप फॉर चैलेंजेस. यहां दिख रहा है दैट यू हैव टू हैव अ करेज एंड टेक द चैलेंजेस अप. नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं गीता कार्ड से निकालने वाली हूं. आई विल एनकरेज यू टू रीड द चैप्टर एंड द वर्स दैट कम्स, बिकॉज वो आपको और ज्यादा थोड़ा सा क्लैरिटी देगा अबाउट योर मंथ. सो डू रीड द चैप्टर एंड द वर्स, इट विल गिव यू द क्लैरिटी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर लियो फॉर अप्रैल 2022. लियो अप्रैल 2022, एंजल्स, what is the message for Leo for April 2022? Okay, and I have the card and it says good qualities. Beautiful card. Very very simple, very very beautiful. Chapter 18 verse 42, 18 chapter hai, 42 verse hai. And this says the Brahmin's work is born of his nature and qualities. Peacefulness, self-control, asceticism, forgiveness, honesty, learning, wisdom and a firm faith in the Supreme Lord. To aap Brahmin ka matlab ye nahi hota ki aap Brahmin as in caste by Brahmin ho. Brahma ke aap आगे हो या ब्रह्मा जो है वो आपके परम ब्रह्म है और आप उनके उनकी एनर्जी के अंदर हो और वो जो है वो आपकी क्वालिटीज से पता लगता है. अगर आप पीसफुल हो, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, आपको फॉरगिव करना आता है, ऑनेस्ट ओपिनियन आते हैं, डिवाइन में फेथ है, विजडम है, लर्निंग है, तो डेफिनेटली आप ब्रह्मा के डेफिनेटली आप ब्राह्मण हो, डेफिनेटली आप ब्रह्मा के साथ हो. यहाँ पे राज्य अभिषेक हो रहा है इफ यू सी. और मैं फिर से बोलूंगी, यहाँ पे राज्य अभिषेक में गणपति जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा है, सब जो है वो प्रेजेंट है, सारी एनर्जीज जो है वो प्रेजेंट है. और वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि यहां पे आपको पीछे सारे रूप दिखाई देंगे, हनुमान जी भी हैं, सारे रूप दिखाई देंगे, इंद्र जी, शेषनाग, सब आपको दिखाई देंगे यहां पे. और राज्याभिषेक हो रहा है किसी का. और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर्सन में वो क्वालिटीज है जो दुनिया को चला सकती है या वो जो दुनिया को आगे ले जाने के लिए जरूरी है. तो अपनी क्वालिटीज जो है उनको इंप्रूव कीजिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए. डेफिनेटली किसी तरह के अथॉरिटी, किसी तरह का राज्य अभिषेक, किसी तरह की एक्नॉलेजमेंट की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ रही है. और इट इज गोइंग टू बी वेरी सडन बेस्ड अपॉन द थिंग्स दैट यू हैव डन इन द पास्ट. सो ये सडन होगा और आपके डेफिनेटली आपने किस तरह के डिसीजन लिए हैं और आपने कैसे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं उसके ऊपर होगा, क्योंकि मुश्किलें फेस करने के बाद ही जो है रिजल्ट है वो मिलता है. लेट्स सी व्हाट इज योर मैप, रोड मैप फॉर Enchanted map tarots है, Enchanted map और oracle cards हैं ये. और let's see what is your road map for April 2022. Okay, so April 2022 and I see the dragon's lair. मैंने ये किसी और sign में भी देखा है. Number 10 है लेकिन 9-1 है. अगर ऐसे देखूँ तो 8 भी बनता है, एक तरह से energy continue है. अगर 9 में से एक minus करो तो 8 बन जाता है. Dragon's lair. और ये जो energy है ये again एक ice castle की energy है. Ice castle से बाहर आने की energy है, जहाँ से आपको बाहर आना definitely ज़रूरी है. और यहाँ पे number 19 है. So I'm going to read it. This says you are always protected and divinely directed. So आप definitely protected हो और divine आपकी help कर रहा है. और कहीं आपको alignment में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप किसी एक ऐसी territory में जाने वाले हो जो थोड़ी dangerous हो सकती है. So आपको अपने surrounding का ध्यान रखना है. The path you are on now is one that will challenge you to the core. You shall peril
is also exciting and exhilarating. That said, peril is also, so basically जब danger आता है आपके सामने तो दो तरह से उसको आप देख सकते हो. एक आप excitement में जा सकते हो कि मुझे कुछ face करना है, मैं कुछ face करूंगा, courage के साथ करूंगा या करूंगी और आगे बढ़ूंगी, या फिर आप डर सकते हो. choice आपकी होगी. लेकिन ये risk जो है ये definitely आपकी life में कोई बहुत बड़ा या positive change जो है वो लेकर आएगा. और again मैं बोल रही हूँ, energy ऐसी है जहां पे जो changes हो रहे हैं आपको उनको होने देना पड़ेगा. और अगर आप उन changes को समझते हो, उन चैलेंजेस को समझते हो और उनको होने देते हो, उनके साथ आगे बढ़ते हो, तो वो एनर्जी जो है वो आपके लिए बहुत सारी अच्छी चेंजेस लेके आने वाली है. सो इसलिए चैलेंजेस से डरना नहीं है बिल्कुल भी, और उन चैलेंजेस को आने देना है, फेस करना है. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी स्नो जो है वो पिघलने वाली है और बहुत सारे एक तरह से नए बिगिनिंग्स जो है वो आपके लाइफ में आने वाले हैं. एक तरह से रिवॉर्ड, रिकग्निशन, एक राज्यभिषेक वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. व्हाट बेटर देन दिस. सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम आर्कएंजल ओरेकल. आर्कएंजल्स लियो, मंथ ऑफ अप्रैल 2022. Leo month of April 2022. Leo month of April 2022. What do they need to know? Singh Rashi, April 2022. 2022. What is the guidance? Leo, April 2022. Wow. This is outdoors. Outdoors का मतलब है कि बाहर निकलना है. Go outside, get some fresh air and connect with the nature to relieve stress and gain new creative ideas. तो definitely वो energy है जहां पे आपको बाहर निकलना ही निकलना है. अपने box से बाहर निकलिए, अपने mind से बाहर निकलिए, अपने thought से बाहर निकलिए और fresh perspective, fresh outcome, fresh energy लेकर चीजों को देखिए, चीजों को face कीजिए, क्योंकि वो energy जो है वो आपके लिए बहुत सारे positive changes जो है लेके आएगी. तो tower से डरने की जरूरत नहीं है. आपके कार्ड्स में टावर जो है वो बहुत अच्छी, मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखा रहा है जहां पे एक्चुअली व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट कैन बी मैनिफेस्टेड. अगर आप डरो ना, तो अगर आप चैलेंज जो है वो लो, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे. आप डेफिनेटली अपनी एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली एक तरह से डिस्प्ले कर पाओगे, इफ आई कैन पुट इट इन दैट वर्ड. बट जो गेट है वो डेफिनेटली खुला हुआ है. आपको कहीं पे भी लिमिटेड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. नंबर ऑफ द मंथ मैंने बोला नंबर 8 होगा आपका. कलर ऑफ द मंथ येलो एंड ऑरेंज, दो कलर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं आपके लिए. चक्र ऑफ द मंथ लोअर चक्रास की मेडिटेशन जरूर करें. अपर की ना भी करें तो चलेगा, लेकिन बेस चक्र, रूट चक्रा जो मूलाधारा होता है, सैक्रल चक्र जो स्वादिष्ठाना होता है, सोलर प्लेक्सस जो मणिपुरा होता है, इन तीन की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है. अपर चक्रास अपने आप ओपन होंगे. और मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, किसी भी चैलेंज से डरना नहीं है. जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ आई एम रेडी टू टेक अप एनी चैलेंज. मैं तैयार हूं किसी भी चैलेंज के लिए. आई एम ऑन द राइट पाथ, आई नो. क्योंकि आप डेफिनेटली अगर रेडी हो तो ये टाइम है जिसमें वो चेंज जो है वो डेफिनेटली आपके लिए आएगा. अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी रहे हो, रूटीन लाइफ जी रहे हो और रिटायर्ड हो या अपना काम कर रहे हो, तो भी एक आउट ऑफ द ब्लू चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट चेंज और दैट चैलेंज और कोई कम्युनिकेशन जो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बाहर आने पर मजबूर करेगी, लेकिन पॉजिटिवली. Leo for the month of April 2022. Leo for the month of April 2022. Leo for the month of April 2022. Okay. So here. एक एंजल विंग आया है और ये एंजल विंग मुझे एक्चुअली वेव्स की तरह ज्यादा लगता है. सो आई डू सी दिस एज अ वेव. और एक ही रैकेट आया है, तो अगर आप देखें तो मुझे एनर्जी इस तरह की लग रही है जहां पे समथिंग इज कम्प्लीटली इन योर एनर्जी. दोनों ही चीजें एक एक आई हैं, विच मीन्स दैट समवेयर इट इज इम्पॉर्टेंट टू अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना, राइट. अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना, अपनी एनर्जी को समझना, अपने डिसीजन लेना, अपने आप से चीजों को सही तरीके से देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. एक विंग से आप उड़ नहीं सकते हो, एक रैकेट से आप खेल नहीं सकते हो. तो कई बार ऐसी एनर्जी होती है जब आप खुद की एनर्जी को समझते हो एंड यू अट्रैक्ट द सिमिलर एनर्जी, और तभी आप उस चीज को बाहर लेके जा सकते हो या आगे लेके जा सकते हो. आई एम गोइंग टू टेक आउट सम मोर चार्म. सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट टू कंप्लीट दिस. वाओ, सो द ब्यूटिफुल एनर्जीज. क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी से कनेक्ट करते हो, अगर आप चेंजेस से कनेक्ट करते हो, अगर आप चैलेंजेस लेते हो और आगे बढ़ते हो, तो वो विंग्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं. विंग्स जो हैं वो पेयर बनने वाले हैं. और जब आप पेयर कर
आपके विंग्स जो है पेयर में होते हैं तब आप उड़ सकते हो. व्हेन यू हैव अ पेयर ऑफ विंग्स यू कैन फ्लाई. और वो एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. एंड देन देर इज अ प्रिंसेस. नाउ इट डजंट हैव टू बी वेरी जेंडर स्पेसिफिक. प्रिंसेस कैन मीन प्रिंस ऑल्सो. बट दिस इज द एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ, राज्य अभिषेक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और वो वैसे ही नहीं दिखाई दे रही है. देर इज अ रीजन क्यों वो एनर्जी दिखाई दे रही है. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट यू बीन फेसिंग. आप सिंगल हैंडली बहुत कुछ करते आ रहे हो या बहुत कुछ फेस करते आ रहे हो कहीं ना कहीं. और अब दैट एनर्जी इज काइंड ऑफ चेंजिंग इनटू समथिंग बेटर. और अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को समझते हो, इन चैलेंजेस को लेते हो, आगे बढ़ते हो, फेस करते हो अपने डरों को, अपने डर को, तो डेफिनेटली देर इज दैट एनर्जी ऑफ वन प्रोटेक्शन कंबाइंड एनर्जी. एंड देन देर इज दैट एनर्जी ऑफ अचीविंग समथिंग. एंड वो अचीवमेंट दिख रही है आपके कार्ड पे. और एक कार्ड जो है, एक दो चाम आ गए. सो ब्यूटिफुल द वे द मोमेंट यू चेंज ऑन हाउ यू लुक एट थिंग्स एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन टू लव फॉर यू. जैसे ही आप बदलोगे कि आप कैसे चीज़ों को देखते हो, आपका एक तरह से व्यू क्या है चीज़ों की तरफ, नजरिया क्या है चीज़ों की तरफ, तो जैसे ही आप नजरिया बदलोगे यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ लव फ्लोइंग योर वे. एंड अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. अगर हो सके तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए. लेकिन खुद पे भरोसा रखिए. डेफिनेटली द एनर्जीज आर वेरी ब्यूटिफुल. डोंट बी स्केयर्ड ऑफ द टावर. फेस इट. Face it and change your fate forever. So, I hope कि महीना आपके लिए अच्छा रहे. Feedback जरूर दीजिएगा. Take care of yourself. Bye bye. Thank you.